नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबको क्लासी मार्केट में। तो चलिए देखते हैं ट्यूसडे के दिन हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या लेवल रहना चाहिए और क्या ट्रेडिंग प्लान रहना चाहिए। दोस्तों आज के लेवल के लिए लाइक बनता है यार, 600 लाइक बस करके दिखा। तो आज जो लेवल दिया था अपसाइड का लेवल, 200 से पॉइंट से ज्यादा मूवमेंट दिया। और अगर आपने अभी तक मेरे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए क्लासी मार्केट, जल्दी से जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, क्लिक करके अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि वहां पे लाइव मार्केट में दोस्तों मैं लेवल वगैरह देता हूं, आप लोग देख सकते हैं। स्टूडेंट लोगों ने पिछली बार जो लेवल दिया था 600 पॉइंट का मोमेंटम दिया था और 68,000 प्रॉफिट, 40,000 प्रॉफिट, 45,000 का प्रॉफिट, 30,000 का प्रॉफिट, बहुत अच्छा खासा अर्न किए थे पिछली बार। और हर दिन दोस्तों मैं लेवल देता हूं, हर दिन 200, 100 पॉइंट, 300, 400 पॉइंट का मोमेंटम देता ही देता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, सुबह सुबह मैं निफ्टी बैंक निफ्टी का प्रॉपर लाइव एनालिसिस करके बता देता हूं। उसके बाद आप देख सकते हैं आज जो भी मैंने लेवल दिया था, एक लेवल दिया था वहां से सपोर्ट लेके फिर घूम गया। उसके बाद दोस्तों ऑप्शन चेन का एनालिसिस भी प्रॉपर करके बताता हूं। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं एक ही लेवल दिया, उसके बाद 39,220 ब्रेक एंड सस्टेन देन बाय करने के लिए बोला था। लॉजिक के साथ दोस्तों एक्सप्लेन करता हूं लाइव मार्केट में। और आप देख सकते हैं दोस्तों जो मैंने लेवल दिया था, ब्रेक किया, यहां पे सस्टेन किया और यहां से आप देख सकते हैं 250 पॉइंट का मोमेंटम क्लीन आपको देखने को मिला। क्लीन तो नहीं बोलूंगा, बहुत ही ऊपर नीचे हो गए, लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल ही राइट रहा दोस्तों, लॉजिक के साथ में बताया। और आप देख सकते हैं कैसे टारगेट हिट हुआ। तो जाइए ज्वाइन कर लीजिए, लाइक बनता है, कमेंट करके बता दीजिए। चलिए देखते हैं दोस्तों कल के दिन हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या लेवल एंड क्या प्लान रहना चाहिए। पहले देख लेते हैं दोस्तों देखिए दोस्तों निफ्टी का हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो आप ये देख लीजिए कि निफ्टी को बाय कब करने वाले हैं। कल सिंपल सा है, समझ लीजिए दोस्तों, निफ्टी गैप हुआ फिर फ्लैट ओपनिंग हुआ, 18,108 अगर ब्रेक करता है तो ही आपको बाय करना है, उससे पहले आपको बाय नहीं करना है। क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि दोस्तों 18,108 जो है ना बहुत ही क्रूशियल जोन है और आप बोल सकते हो बहुत ही क्रूशियल लेवल है। क्यों? क्योंकि अगर आप पीछे जाके देखो, आप देख सकते हो जो 18,100 का लेवल है, आप देख सकते हैं मार्केट ने क्या किया था पिछली बार। अगर आप देखो तो बहुत अच्छा खासा दोस्तों यहां पे सपोर्ट लिया था, जिस दिन मार्केट अच्छा खासा गिरा था उसी दिन आप देख सकते एग्जैक्टली कितना सपोर्ट लिया था, ऊपर गया फिर मार्केट घूम के आया और आप देख सकते दोस्तों एग्जैक्टली वही जो सपोर्ट लेवल है आप देख सकते एग्जैक्टली ब्रेक किया। और ये जो पॉइंट है दोस्तों यहां पे वो सपोर्ट लेवल को रिटेस्ट किया और यहां से आपको बहुत अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। अभी आप देख सकते हैं निफ्टी फिर ऊपर उठ के क्या हुआ है, एग्जैक्टली वही लेवल के आसपास आ गया है। तो ये जो लेवल है दोस्तों रीजन के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बनने वाला है। तो बड़ा ही सिंपल सा व्यू है, 18,108 के ऊपर ही हम बाय करेंगे, उससे पहले हम बाय नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप रिस्की प्लेयर हैं तो कब बाय कर सकते हैं, देखिए सिंपल, अगर आप एट द एंड ऑफ द मार्केट को अगर आप देखो दोस्तों यहां पे आके क्लोजिंग हो गया और ये जो लेवल है 18,080 का जो लेवल दोस्तों, समझ लीजिए आप एक रिस्की प्लेयर हैं, कल फ्लैट पे थोड़ा गैप डाउन ओपनिंग हुआ और 18,008 के ऊपर, मैं अगेन बोलना चाहता हूं 18,080 के ऊपर अगर निफ्टी निकलना चालू किया तो 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के आप कर सकते हैं, आपको स्पेस मिल जाएगा 50 पॉइंट का। लेकिन रियल मूव कब देखने को मिलेगा, रिपीट कर रहा हूं, 18,108 के ऊपर ही आपको रियल मूव देखने को मिलेगा, रीजन आपको बताएं। और ये जो जोन दिया दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं प्राइस क्या है कि मार्केट एंड होते टाइम कहीं ना कहीं बार बार होल्ड करना है, सोचिए क्लब फ्लैट होकर अगर पिछले वाला स्विंग अगर ब्रेक करता है तो यहां से आपको अपसाइड का मूव देखने को मिल जाएगा। चलिए बाय का आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों सेकंड बाय कब करना है, मतलब सेकंड कंडीशन में बता देता हूं। समझ लीजिए कल वर्ल्ड मार्केट रेड रहा, कोई बैड न्यूज रहा और कल निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग हो गया। अगर दोस्तों गैप डाउन ओपनिंग हो गया और निफ्टी अगर 18,000 के आसपास आ गया तो यहां पे एक बुलिश कैंडल देखते ही आपको बाय करना है। क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आप देख सकते हो दोस्तों पिछली बार अगर आप देखो दोस्तों तो यहां पे जो है अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस था, राइट, और मार्केट ने इसी पॉइंट से बहुत अच्छा खासा गिरा था। यहां पे आप देख सकते हैं अच्छा खासा गिरा था, अगेन आप देख सकते हो दोस्तों मार्केट ऊपर गया और आज का ही दिन बात है एग्जैक्टली वहीं पर टच किया और ओपन हुआ और कहीं ना कहीं शार्प सेलिंग देखने को मिला। क्यों देखने को मिला था शार्प सेलिंग आज के दिन, क्योंकि आप देखते पिछली बार यहां पे रेजिस्टेंस था, तो यहां पे एक बार गिरा, यहां पे दो बार गिरा और फाइनली क्या किया आप देख सकते हैं मार्केट कितना ब्यूटीफुली वो जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, सपोर्ट लेके फिर ऊपर चला गया। तो बड़ा ही सिंपल सा है, अभी जो ये रेजिस्टेंस है ना दोस्तों ये बहुत अच्छा खासा सपोर्ट जोन बन चुका है, अगर नीचे आया टच किया तो यहां से हम बाय करेंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। सेल कब करना है, सेल तो दोस्तों 17,961 के नीचे ही आपको सेल करना है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन जो मैं ड्रॉ किया दोस्तों निफ्टी कहीं ना कहीं अगेन अभी अप ट्रेंड चालू कर चुका है तो ये ट्रेंड लाइन टूटेगा और पिछली बार जो ये छोटा सा स्विंग है ये भी ब्रेक करेगा तो ही आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा। ठीक है, कल डाउनफॉल नहीं है, कल निफ्टी में अपसाइड का मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी में दोस्तों क्या कर सकते हैं जल्दी से देख लेते हैं। देखिए दोस्तों बैंक निफ्टी में पहला पॉइंट अगर आप देखो तो ऊपर से जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा हो ना ये रेजिस्टेंस की जैसा काम कर रहा है। कैसे? क्योंकि आप यहां पे आप देख सकते हैं एग्जैक्टली प्राइस ए प्लेस पे टच किया, नीचे आया, फिर गया, एग्जैक्टली आप देख सकते हैं ए प्लेस पे टच किया, अच्छा खासा गिरा था, फिर आप देख सकते हैं प्राइस कहीं ना कहीं यही प्लेस को गया, टच किया,
अच्छा खासा गिर गया, फिर आप देख सकते हैं टच किया फिर अच्छा खासा गिर गया। तो आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुली चार बार रेजिस्टेंस फेस कर चुका है प्राइस, और यही जो प्राइस है बार बार इसी ट्रेंड लाइन को टच करके नीचे आता जा रहा है। अब आप देख सकते हैं एट दी एंड ऑफ द मार्केट में क्या हो रहा है आज, कहीं ना कहीं मार्केट आज फ्लैट ओपनिंग हुआ नीचे और फिर वी सेप रिकवरी करके एक यू सेप रिकवरी करके यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा है, राइट। तो बड़ा ही सिंपल सा व्यू हमारा रहना चाहिए। देखिए व्यू क्या है, अगर समझ लीजिए ये जो ट्रेंड लाइन अभी मैंने बताया, कल आपका सिंपल व्यू रहना चाहिए कि भाई ये जो ट्रेंड लाइन अगर टूटेगा तो ही मैं बाय करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। और ये जो ट्रेंड लाइन कौन से प्राइस पे टूटेगा, आप देख सकते हैं 39,609 दोस्तों का अगर ब्लेड फिर गैप ओपनिंग होकर ब्रेक करता है और इसके ऊपर सस्टेन करता है तो आप बाय कर सकते हैं। रीजन आपको पता चल गया कि हाँ भाई अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस वाला ट्रेंड लाइन है, ऊपर से आज का डे का हाई भी तोड़ रहा है, तो 39,609 के ऊपर ही मैं बाय करूंगा। आई होप आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है। बाइंग का आपको समझ में आ गया, टारगेट वगैरह सब कुछ मैं लाइव मार्केट में बता दूंगा, डोंट वरी, आप जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। सेल कब करना है, देखिए दोस्तों 38,843 है ना, हद से ज्यादा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है जो कि तोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आप देख सकते दोस्तों मार्केट टच किया ऊपर गया, फिर आया टच किया फिर ऊपर गया, फिर आया टच किया आज इसके आसपास फिर ऊपर चला गया। तो दोस्तों जब तक ये 38,843 अगर नहीं तोड़ता है तब तक आप सेल बिल्कुल ही मत करना। अभी से मैं बोल रहा हूं कल अगर गैप डाउन गलती से ओपनिंग हो गया तो पूरे दिन ऊपर नीचे करता रहेगा कुछ नहीं, क्यों, क्योंकि ऊपर का रेजिस्टेंस बन जाएगा नीचे का सपोर्ट बन जाएगा और इसी के अंदर मार्केट घूमता रहेगा। कल अगर 39,600 तोड़ता है नाइन तो ही जाके आपको अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा सीधे 200-300 पॉइंट का। तो आई होप दोस्तों आपको सब कुछ क्लियर हो गया, वीडियो अच्छा लगा तो अभी कभी लाइक कर दीजिए, आज के लेवल के लिए कमेंट कर दीजिए दोस्तों। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए क्लासी मार्केट, अपने मम्मी पापा को बहुत सारे प्यार दीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के दिन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।